आज मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल अपने गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए। हम बिना गैस जलाए झटपट से नारियल के मोदक बना के तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी ली है और मैंने इसमें डाली है हरी इलायची का पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे एक कप नारियल का बुरादा। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा दूध, डालकर इसको मिक्स करेंगे और इसको डो की फॉर्म में गूंथ लेंगे। मुझे यह डो पतला लगा तो मैंने इसमें नारियल का बुरादा और ऐड किया है। मैंने यहाँ डाला है आधी चम्मच घी और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। बिल्कुल बाजार जैसे मोदक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यह मोदक वाला सांचा। यह सांचा आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिले तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बिना सांचे के मोदक कैसे बनाएं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो अब हम सांचे के अंदर फिलिंग भरेंगे। अच्छे से किनारों में फिलिंग को दबाते हुए अच्छे से मोदक की शेप में बनाएंगे। तो अब हम मोदक के अंदर डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ लिया है कटा हुआ पिस्ता और कटा हुआ बादाम। हम अच्छे से इसे डो से इसको कवर कर देंगे। हाथों से इसको दबाते हुए मोदक की शेप में बनाकर तैयार करेंगे। अब आप यहाँ से इसको खोलेंगे और धीरे से इस तरह से खोलेंगे कि एक सुंदर मोदक बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह हम सारे मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बिना सांचे के मोदक कैसे बनाएं। पहले हम नींबू के साइज की फिलिंग को दबाते हुए हम बनाएंगे इसका एक लड्डू। देखिए बिल्कुल इस तरह लड्डू बना के हम धीरे धीरे इसे ऊपर उठाएंगे और इसे यह देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम फोक की मदद से इस पर डिजाइन बनाएंगे। इस तरह आप बिना सांचे के भी एक अच्छे मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए यह झटपट से बनने वाले बिना गैस जलाए यह स्वादिष्ट नारियल के मोदक बनके तैयार हो गए हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।